हर एक को अदा पर रो जहां तक ये आवाज पहुंच रही है। भाइयों बहनों, आप लोग शायद सुने होंगे कि मिनिस्टेरी फॉर ऑंडरवेस, मिनिस्टेरी फॉर ऑंडरवेस एक स्कूल जिस स्कूल का नाम है आरसीई, यानी कि अल्बर्ट कैमरॉन इंस्टीट्यूट आरसीई। मिनिस्टर का विचार है कि जो स्कूल का शुरुआत होगा अक्टूबर महीना में, तो ये आरसीई को मिला दिया जाएगा एसपीई। एसपीई वो स्कूल आप तो जानते हैं, वहां पर भी काफी स्टूडेंट वगैरह जिनों को सबक दिया जाते हैं। तो विचार है मिनिस्ट्री फॉर ऑंडरवेस का कि अल्बर्ट कैमरॉन इंस्टीट्यूट को मिला देने के लिए, और वो किस में मिला देने के लिए, द सूरीनाम से पैदा होखिस इंस्टीट्यूट एसपीई में, उसमें मिला दिया जाए, एक स्कूल कर दिया जाए। आप तो समझ चुके हैं कि बॉन्ड फॉलियर एंड बीफीएल का सभापति वेल्को फालिस काफी नाराज है इस बात से, काफी गुस्सा से है, इतनी गुस्सा से कि वो क्या कहते हैं, मेक डेन कॉम वे वाक्टी डेन इन अक्टूबर। बहुत चकल्लस, अब तो क्या बताई भाई बहनों, वालिस का कहना है मेक डेन कॉम वे वाक्टी डेन इन अक्टूबर, यानी इन अक्टूबर अगर आरसीई का मिला दिया जाएगा एसपीई में, तो वेल्को फालिस आखिरी शुरुआत करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आरसीई इस समय एसपीई के अंदर कर दिया जाए, एक स्कूल यानी एक एसपीई। तो ये बात से वेल्को फालिस बॉन्ड फॉलियरा यानी तैयार नहीं है अभी, और सभी स्टूडेंट से कहा कि आप लोग तैयार रहियो, क्योंकि हम लोग 8 अक्टूबर को फिर से हम लोग अपना आवाज को उठाएंगे, मेक डेन कॉम वे वाक्टी डेन 8 अक्टूबर वेल्को फालिस। ए का तोरे देश में होवत है भैया, कौन चीज तुम्हारा देश में होने लगा है, जैसे कि इंसान के समझ फकांसी चला गया। अब ये देखो, एक 19 साल का नौजवान अक्षय नंद बगैर रेल बुवाई से गाड़ी चलाया, एंटोन ड्राफ्टनबर्ग से चला करके रिख्टर बोनिस्ट्राट और दाफर सिमोस्ट्राट, वहां पर ये धक्का लगा जहां विल्फ्रेड वेलकॉम 36 साल की आयु उनका मृत्यु हो गई, क्योंकि अक्षय नंद के पास रेबिवेश नहीं था गाड़ी चलाने के लिए, फिर भी ये गाड़ी को चलाया है, और उनके साथ भी यानी उनका दोस्तों थे। प्यारे भाइयों, टर होफ्ट फन पांड्रियन सेफ तक अक्षय आनंद वे गाड़ी यानी वेलकॉम की तरफ चला गया, जहां वेलकॉम आदमी जिसका मौत हुआ उसका नाम वेलकॉम, उनका एक बेस रहा, अकेले ही था वेलकॉम उस बेस में, बस अक्षय नंद बेई जिनके पास न रही भी वैस है, जाकर के धक्का मार दिया, वो गाड़ी उलट गया, ब्रांतवेर को आना पड़ा, और ब्रांतवेर बड़ी मेहनत से श्रीमान वेलकॉम विल्फ्रेड का लाश, ये 36 साल की उम्र का विल्फ्रेड वेलकॉम का लाश निकाली से काट करके उन गाड़ी के दरवाजा, क्योंकि उसी में फंसा पड़ा था। ये बड़ी दुख के बात है प्यारे लोग, कि 19 साल का बे अक्षय नंद ये संगतियों के साथ मौज करके वो जगह से जहां बड़े बड़े आदमियों जाते हैं पैसा लुटाने के लिए, वहां पर से आता है जिस तरह से सिपाही ने वो दिन खबर दिया मुझे, और ये गाड़ी चलाया गलत रास्ता गलत जगह पर, यानी विल्फ्रेड वेलकॉम के हेल्प पर, और फ्रंटाल जैसे बोले लोग धक्का लगा, और दोनों गाड़ी छितरा गया भाइयों, छितरा गया, क्योंकि विल्फ्रेड वेलकॉम 36 साल की आयु में उनका मौत हो गया उसी एंटोन ड्राफ्टनबर्ग में उसी के गाड़ी में, और ब्रांतवेर दरवाजा काट काट करके उनकी बेस गाड़ी के तो इस लाश को बाहर किया। ये बड़ी अफसोस की बात है भैया, क्योंकि अक्षय नंद के गाड़ी में चार लोग थे और चारों लोग को चोट लगा। प्यारे प्यारे लोग, ये बड़ी अफसोस दुख की बात है। अगर आप गाड़ी को देखेंगे
तो लगे जी से खटारा छितरा गई से आगे में, कट कट करके छितरा गई है। इतना स्नेल है, इतना स्नेल है, जितनी जोर से ये गाड़ी को चलाया है भाइयों। आज हम लोग को इस बात से बड़ी दुख होता है, एक इंसान का मौत हो गया है यहां। ओपोसिसी पार्लियामेंटारियर आशीष कुमार गया दीन और कृष्ण कुमारी मथुरा अभी कुछ दिन पहले अल्कोवा के तप वहां चिट्ठी भेजे हुए हैं और चिट्ठी में ये लोग शिकायत किए हैं कि जो ब्रकोपोंड ओपनिंग कॉम सरकार और मल्टी नेशनल जो अब ये खत्म करने को जा रहा है, इसके बारे में ये लोग शिकायत किए हैं क्योंकि इन लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है और ये बहुत गुप्ती रूप में गुप्ती रूप में ये बातचीत जो दोनों मल्टी नेशनल और सूरीनाम के सरकार से जो हुआ और ये सरकार अभी तक ठीक रूप में हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इस बात से इन दोनों को दुख हुआ और ये दोनों ने जाकर के चिट्ठी भेजे हैं ताकि मुजरमाजे अल्कोवा इन दोनों को इंफॉर्मेशन देवे इसके बारे में, क्योंकि ये होने को जा रहा है और सूरीनाम की जनता को ये बात पता ही नहीं है। भाइयों बहनों, बहुत गड़बड़ बात है ये मल्टी नेशनल जब से राज सूरीनाम में, और जितना साल वो ब्लास्टिंग देते गया, सूरीनाम के सरकार लोग खाते गया पीते गया खाते गया और कहीं जतन से रखा नहीं बगल में कि एक दिन ये सूरीनाम को नहीं रहेगा तो क्या हम लोग हवा खाएंगे, हवा खाएंगे भैया, या घास भूस खाएंगे। एक सरकार ये बात इतना दूर तक नहीं सोचा और आज जब सूरीनाम को अल्कोवा देश छोड़ करके चला गया तो हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते भैया, कोई बायां तरफ कोई दायां तरफ, कोई ऊपर या कोई नीचे, लेकिन सूरीनाम को ये तो कब्बे कब्बे न अपने भाइयों के साथ यहां देशवा छोड़ करके और रवाना हो गया है, समझे न काका। ए भैया, ए काका, तो क्या हम का बताई। देखो, जो आंध्र एजेंट के बारे में मैंने जिक्र किया था, देखो हम कहां चलता है, 11 लोग ना, हाँ 11 लोग यहां लिखा है, 11 कोवोंडन बेस वार आंध्र एजेंट पारा, 11 11 यहां पर बेस ऑटो बेसन टेशन 3 ऑटो बेसन ऑफ द कैनेडी वे दर हुक्त पान कमिश्नरियात पारा या पुलिसी रेस दे के जाकर के सब नोटिस किया है, गाड़ी उल्टल पड़ल है, तीन तीन गाड़ी धक्का लगा, तो क्या हम बताए जैसे कि कोफरियारी। अब आप पूछियो कि ये कैसे हुआ तो कोई नहीं जानते हैं क्योंकि सब लोग के हाथ है, सब लोग के जल्दी जल्दी में है सब लोग, इसलिए ये आ रीडिंग हुआ एल्फ कोबोंडन और उसमें से कितने बेहोश था। एम्बुलेंस के जरिए चार एम्बुलेंस के द्वारा इनको स्पोर्ट एशन के हेल्प को पहुंचाया गया है। हमारी प्यारी जनता, एक डाकू चोरी करने के बाद अब वो भाग रहा है, एक दुकानदार के हाथ से पैसा छीन करके वो भाग रहा है, एक मोटर गाड़ी में कूद के बैठ गया दाम पर और उकरे पीछे एक पुलिसी वाहन उनका पीछा करने लगा, पीछा करने लगा, लोक्सी स्त्रात पहुंचा, वहां सिपाही उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं रुका तो गोली चलने लगा। द फरदाख्त इस तुन खरात आंसें बोफन लेखाम एंड बेनन, उनके अब जहां तक पता है एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिकंड हाउस को पहुंचाया गया है, उनकी पांव में गोली लगा, हाथ में गोली लगा। प्यारे लोग, चोर लोग को गोली लग जाने से वो सुधरे नहीं है, कभी नहीं सुधरा चोर, वो बार बार चोरी करता है। प्यारे लोग, अब देखो क्या हुआ है, ये चोरी किया
अब इन्हें सीकेंड हाउस में इनका देखभाल होगा। ए का हम सुनी काका, अब कौन सी हो ऐसन ऐसन चीज हमारे सामने आ जाता है ना, लेकिन हमारा काम है ये बात आपको बताने के लिए। प्रशांत हा के बारे में, प्रशांत हा 20 साल का है, लिफॉर्मो का पुलिसी प्रशांत हा को ले जाकर के बंद करी से जेल में, क्योंकि प्रशांत का उम्र है 20 साल का और प्रशांत के पार्टनर के उम्र भी है 20 साल का। और प्रशांत क्या देखते हैं कि इनकी पार्टनर के, इनकी पार्टनर पार्टनर के फेसबुक पर, कि इनकी पार्टनर फेसबुक पर एक दूसरा नौजवान के साथ यानी बातचीत कॉन्टैक्ट कर किया है, कॉन्टैक्ट बातचीत संदेशा भेजती रहती है, संदेशा संदेशा ना। बस इस प्रशांत हा को शक हुआ कि इनकी इनकी इनका मेहरारू एक दूसरा मर्द के साथ लुक्का चोरी करती है, यानी रेलाची रेलाची प्यार के रेलाची, समझे ना। बस ये अपने पत्नी को धमकी दिया, प्रशांत हा अपने पत्नी को धमकी दिया, अरे बोले हो तू का करे थे जो दूसरे लौंडा तो आदमी कम थी दूसरे तो, कुछ कुछ बोले हो ना। लेकिन कुछ बात हुआ होगा तो प्रशांत हा कूद करके अपने पार्टनर के गटई दबाई सरा दबाई दबाई सरा, और काहे गटई इंसान दबावे कि उनको जान से मारना चाहता है ना, स्लाख्त ऑफर को विरख्त। वो बेचारी ठेल ठाल करके अपने आप को बचा लिया और बाद में भगा, डर गई, भागते भागते गए मैया लगे, मैया बोले चलो पुलिस लगे, बस गया पुलिस माई बेटिया पहुंचा पुलिस लगे। बस सिपाही प्रशांत हा को तलाश किया और तलाश करने के बाद ले जाकर के बंद करी से लिफॉर्नो के जेल में। एक काकी का तुम्हारा देश में होती है ये सब चीज पहले ना रहा था, ये कौन चीज आज फेसबुक आएगी सर, ये आएगी वो चीज आएगी, ये कितना घर बर्बाद कर दी से काका, कितना घर बर्बाद है ये फेसबुक जो आयल सरनाम में, एक छोटा मुल्क सरनाम अभी 1 मिलियन जनता न रहे है और हर एक छोरी को एक फेसबुक, हर लौंडा के एक फेसबुक, एक छोरी को एक लौंडा काफी ना है, एक लौंडा के एक छोरी काफी ना है। यही में लिखाई पढ़ाई में, इसी लिखाई पढ़ाई में जब इंसान के दिल में गुस्सा आती है ना, तो लेके कटलीस या बंदूक या टांगा या फाक ये दौड़ने लगता है, तो देखो सुधरेगा कोई नहीं। ये जब तक फेसबुक रहेगा और फलाने फलाने और जितने चीजवन आई से एक बीमारी की तरह, जब तक वो रहेगा इंसान लात खाते खाते सुधरेगा नहीं। करियो तो क्या करियो, मन विरक्त फ्राओ है। अरे दादा तो के हम का बताई काका, तो अखबार जब पकड़ लो ना तो तमाशा 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 है। देखो ये तो हम लोग ये कहे थे कि स्कालियन के बारे में, मरवेनरी फीर में डरते स्कालियन, मरवेनरी फीर में डरते स्कालियन, और काजनी बलास्ते ये लोग भरे थे कि न भरे थे। भैया जोगी सर मक्का के है बोले कि एंकल्स कालियान ओइट आदे कहते हैं खजर, कोक्स कालियान फालियान को लोग बांध करके कहीं नहीं रखा था, ये जनता के आंख में न जाने क्या फेंक रहे हैं ये लोग ने, समझने काका। और प्यारे लोग जनता, मैंने भी आपसे कहा कि दो असेंबली रीजन
एक चिट्ठी भेजे हुए हैं अल्कोवा, ये सिराल्को के मुतल्लिक अंतमांतलिंग को रोकने के लिए, लेकिन नेशनल असेंबली के लोगों के लिए पुकार है कि आप लोग भी अंतमांतलिंग फंड परनाम रफीनाज रई के बारे में आप लोग को भी अपना आवाज को उठाना चाहिए। नकली दो लोग और जितने वहां है 50-51, आप लोग इसके बारे में अपना आवाज को उठाओ और यहां से लेकर के अल्कोवा पे चिट्ठी लिखो और इसके बारे में जिक्र करो, हल्ला मचाओ। हम आप जनता के लिए सब जितने संदेशा है भाइयों, आप तो जानते हैं कि इंडिया का सरकार और इंडिया का एम्बेसडर सूरीनाम में कुछ महीना पहले बिनलांट बुड़ गया था, तो इंडिया का एम्बेसडर सूरीनाम में सूरीनाम के रखेरे को वादा दिया था कि वो मदद करेगा पैसे से। मुझे पता चला है, आज एक बार जिक्र की है कि एम्बेसडर फॉर इंडिया इन सूरीनाम महेंद्र सिंह कानियाल एक 50,000 अमेरिकन डॉलर का चेक मिनिस्टर इल्दिस पोला बिगल, जो बेल्टलैंड शाखा का मिनिस्टर है, उनके हाथ में जाकर के दी, 50,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। स्वारे लीखन अप्रैल से लेकर के जूनी 18 यानी बिनलांत बुड़ गए थे सूरीनाम, तो उन लोगों को कुछ पैसा मिलना चाहिए या नुकसान ही जो हुआ, और ये मिनिस्टर कुछ कुछ पैसा मांग की थी, तो एक चेक इनको दिया गई है 50,000 अमेरिका से डॉलर का। अरे भैया, सूरीनाम के जनता, प्यारे प्यारे लोग, आप जानते हैं कि झूरा के मौसम आ रहा है, झूरा के मौसम आ रहा है धीरे धीरे, और ब्रांतवेर आपको टिप्स देगा कि वैकेंसी के समय आप लोग को आग से खिलवाड़ मत करना, आग से खिलवाड़ मत करना भाइयों, है तो ये सब बात जो है ना, ये आप लोग को इंफॉर्मेशन टेलीविजन द्वारा रेडियो द्वारा आप लोग को ये बताते रहेंगे। जैसे जैसे आप समझ गए भाइयों, उजुल डे, उजुल उज उज उजुल डे, एक साल के लिए सिखियाती से संत सूरीनाम में उनको ले लिया गया है, क्योंकि डायरेक्टर एक मुकदमा उनके सामने जो आया, उस उदय को सिखियाती संतरे में कर दिया एक साल के लिए, तो 1 अगस्त 2019, क्योंकि आदमी उस उदय ब्राक्ट 5 पर्सन ज्वाद लेखाम लेस्टल टू वैसी पालवीनी की बात है, इसलिए इनकी सिखियाती से संतरे में कर दिया गया एक साल, वहां पर इनका देखभाल होगी, और देखभाल होने के बाद ये फिर से अगले साल अगस्त में रेहतरीन को कोर्ट में इनके लिए फैसला करेगा, तब कहीं कोर्ट में इनके लिए फैसला किया जाएगा। हमारे जनता, एक मकान जल करके तमाम हो गया, सुभाग व्या क्वाटा की ये बात है, अभी तक पता नहीं है कि आग क्यों लगा दिया गया है, ये घर के ऊपर में सब जल गए, नीचे सब जल गया, और पता नहीं है कि कितना नुकसानी हुआ, लेकिन जो बोले आंध सुभाग व्या तो क्वाटा फिर 7 अगस्त इन फ्लामन अप,
एकदम से खत्म हो गए, जड़ के खत्म। लियोनेल से चोरी करके भागने की कोशिश की, भागने बाकी उनका जो पीछा सिपाही की तो लियोनेल की गोली मार दिया गया। जब गोली लगा तो फट से रुक गया। ऐशो खान और 20,000 SRD के पास है, इतना पैसा छीन करके ये भगा लियोनेल से, तो ये इन्हें सिपाही गोली मार दिया और जो गोली लगा तो ये जाकर के रुका। और ये सब पैसा पता नहीं कि मिला इनके पास कि नहीं मिला, लेकिन उपमार मिनिस्टेरी इन्हें जेल में डाल दिया है, चोर को डाकू को। देखिए मैंने कल आपको बताए थे कि एक स्वयंवाद बोमावैक के स्वयंवाद के सामने एक गाड़ी पार्केड थी और इसने कोई आग लगा दिया है, क्योंकि सिपाही को बाद में मिला है कुछ एक बोतल जिसमें कुछ ब्रांड स्टॉफ था और कुछ सामान आग लगाने के लिए। उसी गाड़ी के आसपास में ये था, सिपाही उन्हें बसराख में ले लिया है। तो ये वीकेंड में ये वाहन रिश्तों में स्वयं बात का पार्क के बोम आया, वहां पर कोई इसमें आग लगाया है, समझे ना काका, कोई जलन से लगा दे इस आगी। बड़ी अफसोस की बात है भाई कि का हुए देश तुम्हारा देश में मौसी, ऐसन ऐसन तमाशा। एक तो बेचारी गाड़ी पार्क कर कैसे को जाकर के आग लगा दी। कैटिंग बॉक्सिंग, चार चार गाड़ी सनीचर के संजा के लेडिंग 21 बी के बात भाई दारबे रात इन पैसों खबों एम्बुलेंस के जरिए उन्हें स्पुत एशन हेल्प को पहुंचाया गया है। एक फिलर रहा उस समय तो एक गाड़ी एक फरख्त वाहन वो चला के चल के आ रहा है, लेकिन जब रैम करने लगा फीलर तो उनका रैम पकड़ता ही नहीं। फॉर्मुलक डीज द रैम एंड हेट मीट, बस ये धक्का लगल मारे तो सब धक्का धक्का ही धक्का लगे लगा, चार गाड़ी एकदम से छितरा गया भाइयों। तो आप देखो कौन कौन तमाशा है, जाम पर गाड़ी लेकर के आते हैं उन पर रैम भी नहीं है ना? तो ये सब बात होता भैया जी है। श्रीराम की जनता, भाइयों बहनों, आप जनता है तो आप तो जानते हैं कि फकांसी मान शुरू हो गया है, फकांसी के महीना शुरू हो गई है। ये फकांसी के महीना ज्यादा से ज्यादा लोग शहर से बाहर जाकर के फकांसी मनाते हैं, जहां पर नहाने के बात होता है, डुबक्की मारने की बात होता है और जहां मौका मिले दारू पीने के लिए। तनी फोरसेक तक रहियो काका, तनी फोरसेक तक रहियो, दारू पी करके उपद्रव करियो, दारू पी करके गाड़ी चलाइयो, दारू पी करके नहाने के लिए पानी उतरेंगे। न जाने कहां से सीख करके आप लोग आए हैं। आप लोग अगर गलत काम करेंगे तो आप शायद आप की जिंदगी वही खत्म भी हो जाएगा पानी में। चार चार मोटर गाड़ी कलकत्ता में आंद्रेजिंग ऑफ वैकॉप नाम तक कलकत्ता, दो ज्यादा चोट लगा वो लोग अपने गाड़ी से जहां खरूनियन डॉक्टर है वहां उनके पास गए हैं, लेकिन चार चार गाड़ी कैटन बॉक्सिंग तक कलकत्ता, क्योंकि गाड़ी उड़ा करके लोग जाते हैं मौसी, उड़ करके फ्लिक मशीन। अरे समझ, तनी समझ समझ से काम करो भैया लोग, सड़क पर गाड़ी उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन जही के सुनो गाड़ी उड़ा करके कहीं जा रहा है। कैटिंग बॉक्सिंग तक कलकत्ता सर मक्का है? प्यारे लोग सूरीनाम की जनता, देखो भाइयों बहनों, हम लोग जानते हैं
कि बहुत से लड़कन जो डिप्लोमा हासिल करके और आज वो लोग के काम नहीं मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पढ़ने के बाद वो लोग को सरकार कहीं काम दिया नहीं, और यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा ले करके अभी कितने यहां से वहां वहां से वहां घूमते हैं काम के लिए। प्यारे लोग, जनता, सरकार को चाहिए कि जब इतना लोग पढ़े हैं, डिप्लोमा हासिल किए, तो लोग के लिए काम खोजना चाहिए। वो भी नहीं सब सरकार के काम, लेकिन सरकार के चाहिए पार्टिकुलर में उन लोगों को काम खोजने के लिए। या बदरेफन जिस तरह से स्टास ओली से शिराल को स्टास ओली और आगे चल करके न्यू माउंट वगैरह जहां सोना वगैरह निकलता, वहां पर इन लोगों को काम मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़ी मेहनत से पढ़े हैं और डिप्लोमा हासिल किए हैं, और जब डिप्लोमा हो गया हाथ में तो उन लोग को काम नहीं मिलता है ना। भाई, आप जनता है और सरकार एक रंग है, सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। भाइयों, पता चला है कि हमारा देश का प्रेसिडेंट बहुत जल्द सूरीनाम में वापस आएगा। हमारा देश का प्रेसिडेंट जो हाफाना में था, जिनका पेट का उपरासी हुआ है, वो आ रहे हैं सूरीनाम में बहुत जल्द, और सरकार के रंग से सरकार खुद हम लोग को बताएंगे कि प्रेसिडेंट कौन समय पर आ रहा सूरीनाम में, क्योंकि सूरीनाम में आ रहा है प्रेसिडेंट वापस, तो ये सूरीनाम की सरकार जो है ना, वही हम लोग को बताएंगे कौन समय, और फिर उसके बाद में वो सिकंद हरीश में जाएगा यहां या घरे जाएगा, वो भी सरकार के रंग से हम लोग को खबर होगा। एक ड्रग्स फरदाख्त फाबियान एल 33 साल का उम्र, सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके पास गांजा था और उनके पास 15 एक्सटेसी टैबलेट शुक्रो था, दो पाकी और यामी एल पाक गांजा, ये सब इनके पास, ये धंधा करता था, धंधा लोगों सूंघने के लिए, खींचने के लिए यही बेस बेस करके देता था। लेजरम का पुलिस चीफ फाबियन को गिरफ्तार किया है, लगाया दो बलाटा और ले जाकर के बंद की है, बंद की जेल में। नेशनल असेंबली में जो आज सभा शुरुआत हुआ है, भाइयों बहनों, ये सूरीनाम के क्रम्स के बारे में बातचीत चल रहा है। आप जानते हैं कि सूरीनाम के पड़ोस है फ्रांस, गुयाना, ब्राजील और गयाना। सन 1975 में सूरीनाम देश आजाद हुआ, रखेरे नीदरलैंड और रखेरिंग एनपेटा एन श्रीमान आरोन, इन दोनों ने जबरदस्ती सूरीनाम देश को आजाद करवा दिया, क्योंकि बकरा भी सूरीनाम से अलग होना चाहता था, और एक रखेरिंग बैठा आरोन जो तुरंत आजादी के बारे में जिक्र की, और उस समय डन एल प्रमेय था नीदरलैंड में, वो तुरंत राजी होकर के, और डेढ़ साल के अंदर में जब ये बैठा आरोन एनपी का, आरोन को देश आजाद दे दिया। ऊपर से सरहे 3 मिलियर्ड नीदरलैंड होल्डर्स, ये हॉलैंड के पैसा ना यूरो एनएफ, सरहे 3 मिलियर्ड। आरोन
उनको ये पैसा के जरूरी था उनकी संग साथियों को ब्रूमा के और सब फिर निशान वगैरह, लेकिन वो दी एन हालत मिलियार्ड पैसा उनका फरकलारिंग उनका सबूत आज तक ये लोग नहीं दिया कि का कर ले वो 3 मिलियार्ड लेकर के। जब सरनाम को न्यूजीलैंड के सरकार से ख्रंस के बारे में बातचीत करना चाहिए था कि देख सर न्यूजीलैंड आप सरनाम को आजाद करने चाहते हैं तो हम लोग का ख्रंस जो है जो ख्रंस फ्रांस खुयाना से ब्राजील से और गयाना से उसके बारे में फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन वो समस्या वैसा ही छोड़ करके और देश को अलग कर दिया नई जमान की सरकार। और आज हम लोग देख रहे हैं कि वो समस्या आज अभी तक हल नहीं हुआ। आज पार्लियामेंट में फ्रांस खुयाना सूरीनाम के ख्रंस के बारे में सभा लगा है कि मरवेंग रिफिर कितना सरनाम के है, मरवेंग रिफिर कितना फ्रांस खुयाना के है और कौन कौन जगह से सरनाम के जमीन है, कौन कहां से फ्रांस खुयाना के, वो आज पार्लियामेंट में उसके बारे में आज बातचीत शुरुआत हुआ है। देश आजादी 75 में हुआ, लेकिन देश हमारा पड़ोसी मुल्क के ये देश के जो ख्रंस है कि कहां से सरनाम है, कहां से गयाना है, कहां से फ्रांस को आना, वो आज शुरुआत हुआ है पार्लियामेंट में, जिसके लिए बातचीत होने लगा है कि फ्रांस को आना को बताना चाहिए कि रीबा के आधा उस तरफ उनका है, इस तरफ हमार है, तो कहां से कैसे कैसे कितना दूर से जा करके कहां से सूरीनाम के जमीन है और कहां से और कहां फ्रांस को आना। जब न्यूजीलैंड को यह काम कर करके देश को आजाद करना चाहिए था तो इसे किया नहीं, सरनाम को लालच दे करके सरहे तीन मिलियार्ड लालच दे करके और देश को आजाद कर दिया, देश को आजाद कर दिया। और जितने न्यूजीलैंडर थे उन लोगों का नेशनलिटी जबरदस्ती न्यूजीलैंड की सरकार छीन लिया। जो 75 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ सूरीनाम में वो था न्यूजीलैंडर। और देश आजाद करके आरोन के हाथ में 3.5 मिलियार्ड पैसा दे करके देश आजाद करके और जितनी जनता उस दिनों में था सूरीनाम में उनका नेशनलिटी जबरदस्ती खींच लिया। जैसे कि एक इंसान, एक पियक्कर इंसान एक बच्ची के दारू पी करके एक बच्ची के कपड़े उतार लेते हैं, ऐसे हॉलैंड के सरकार हम लोग का नेशनलिटी छीन लिया और जबरदस्ती सूरीनाम कर दिया कि जाओ ठोकर खाओ और लात खाओ। प्यारे लोग जनता, तो जाने कि सरकार जब बैठा है, पुराना सरकार की बात हम करीला तो वो अपने ही लोग को बैठाया है, अपने परिवार लोग को बना बना करके। आज शायद वो दुनिया में नहीं होगा, लेकिन जो किया है ये लोग तो सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए, जनता के लिए कोई कुछ नहीं किया कि जनता के लिए कुछ पढ़ते कि कुछ कर दिया होगा, नहीं, वो अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बैतफरों के लिए, अपने बैतमान के लिए वही सब चीज किया। लेकिन जनता जो है आज गरीब उठाता गरीब, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जनता देश के अंदर में जो ठोकर खाता है। तो जाने राजा ने बीरबल से पूछा, है बीरबल तनी देर तो कितना भुच्चर इंसान है देशवा में, तनी पकड़ लाओ। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल तनी जा तो शहरिया में देख तो देशवा में कहा भुच्चर इंसान है, भुच्चर यानी दम
उन्हें पकड़ रही है। प्यारे लोग, बीरबल एक आदमी को पकड़ के ले गया। राजा देखी तो बोला, अरे एक जो ले लो पकड़ के। बीरबल एक आदमी जो डांप खड़े होकर के वर्ष बिछत रहा, वर्ष आप जाने वर्ष को चीज बोले काका, अरे सुअर के वर्ष, गाय के वर्ष है, मुर्गा के वर्ष है, आज तक सुनी कि कुत्ता के वर्ष भी बने लगा है। तो वर्ष बीच बीच शहर में बेचता था वो आदमी। बीरबल उसके पकड़ के ले गए। तो जब बीरबल पकड़ के उसके ले गए है, तो राजा बोले, बीरबल तो के हम यही बात बोल रही कि भुच्चर आदमी के पकड़ के लिए, भुच्चर भुच्चर आदमी के है? तो बोले भी भुच्चर भी चले पकड़ के। बोले ये भुच्चर आदमी ना है, ये हमारा दूसरा मेहरारू का भाई है, ये रीता के भाई है, ये ओकर भाई, ये भुच्चर का बॉस बेचक है, ये भुच्चर ना। बोले हाँ ये भुच्चर है। बीरबल बोले राजा से, ये भुच्चर है। काहे के भुच्चर है, जब इनका बहनोई देश के राजा है, इनका बहिन रानी है, चाहे दूसरा रानी, क्योंकि राजा के पांच औरत रहा, सीता गीता रीता फिर फरीदा और फिरोजा, पांच औरत रहा राजा के। तो बोले ये सीता के भाई है। बोले तो सीता के भाई भुच्चर ना है। बोले हाँ ये भुच्चर है, क्योंकि इनका बहनोई इस देश के राजा है, इनका बहिन देश के रानी है, और बहनोई यही सार भेल। तो सार जिनको बड़का पोसीसी हुए चाहे, क्योंकि वही राजा लड़की को बनाया मिनिस्टर, जो ठीक से दाम पर चल न पाओ थे उन्हें मिनिस्टर, जो छोटा छोटा गाड़ी चलाते थे अब एकदम से इम्पाला गाड़ी चलाने लगा लड़कियां, लड़कों जो इधर उधर बिछोड़ बिछोड़ करके, वही राजा सबके दर्जा दिया, मिनिस्टर के दर्जा, बड़का कॉमिसारस के दर्जा, बड़का बड़का दर्जा दिया राजा। और सार को अब सार बीच दाम पर खड़ा होकर के वर्ष बेचत है, ही के मारे बिरहुल भुच्चर इंसान हम कहीं न देखी न, कि उनका बहनोई भैया देश के राजा और सार वॉस बेचत है, मुर्गी के वॉस और कुत्ता के वॉस। समझे काका? तो बोले यही भुच्चर आदमी, इनको होना चाहिए था कहीं के बड़का मंझा, बड़का डायरेक्टर या बड़का मिनिस्टर या कहीं बोलबाला वाला जगह। तो ये खड़ा हो करके डाम पर बॉस बेचत है, इनका बहनोई देश के राजा। तो बोले यही भुच्चर आदमी है, और हम लोग देखें। अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो, हम आप उससे फिर मुलाकात करेंगे।